डूंगरपुर में तेज रफ्तार कार ने एक व्यापारी को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद कार भी अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और व्यापारी को लहूलुहान हालत में डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। उधर हादसे के बाद कार का ड्राइवर गाड़ी को मौके पर छोड़कर ही फरार हो गया। एक महीने पहले ही व्यापारी के जवान बीटी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। दोबड़ा थानाधिकारी कमलेश चौधरी के अनुसार प्रहलाद सिंह राजपुरोहित निवासी जालौर हाल पुनाली में मिठाई की दुकान करते थे। शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे प्रहलाद सिंह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। घर से कुछ ही दूरी पर डूंगरपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनको कुचल दिया। हादसे के बाद कार सड़क किनारे बिजली के पोल से टकरा गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ड्राइवर कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। थानाधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद पुनाली निवासी कैलाश सुथार दौड़कर मौके पर पहुंचा और घायल के भाइयों को हादसे की सूचना दी। इस पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को लहूलुहान हालत में लेकर डूंगरपुर हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उनको मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मौके से कार को भी जब्त कर लिया है और ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। मृतक प्रहलाद सिंह राजपुरोहित के बड़े बेटे शांतिलाल की 1 महीने पहले ही हार्ट अटैक से मौत हुई। प्रहलाद सिंह की मौत के बाद पत्नी संतोष देवी और उसके 2 बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक ही महीने में 2 घटनाओं से पूरे घर में मातम का माहौल है। अब परिवार की जिम्मेदारी भी मृतक के भाई श्याम सिंह राजपुरोहित और प्रताप सिंह पर आ गई है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।